हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो आज हम लोग एक थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है गेम थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक मेंटेलिटी होता है, क्या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या इसका एप्लीकेबिलिटी है, तो इन सारी बातों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं गेम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सो इट वॉज डेवलप्ड बाई प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेस्ट्रॉन इन 1928। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं जिसका नाम होता है नैश इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये समझना है कि जो नैश है, जॉन नैश, उन्होंने ये थ्योरी नहीं दिया था। ये थ्योरी जो है दिया किन के द्वारा दिया गया था, तो जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेस्ट्रॉन इन 1928। और जो नैश इक्विलिब्रियम बेसिकली दिया गया है वो 1940 में दिया गया। गेम थ्योरी होता क्या है, नाम से समझिए, गेम थ्योरी। तो बेसिकली एक थ्योरी है जो प्रैक्टिकली आपको गेम के तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा कि अगर कोई सामने वाला कुछ स्टेप ले रहा है, कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, तो जैसे हम लोग गेम में क्या करते हैं कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो सामने वाला कुछ, मेरा एक्शन होता है तो सामने वाले का कुछ रिएक्शन होता है, यही बेसिकली एक गेम है। तो उसी तरह से एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, एक इकोनॉमी में, कोई भी मार्केट में अगर कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट उसके कंपिटिटर पे क्या होता है, तो वो हम लोग गेम थ्योरी के थ्रू स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए गेम थ्योरी होता क्या है। तो गेम थ्योरी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद मेकिंग डिसीजन when two or more rational and intelligent opponents are involved under situation of conflict and competition। बहुत ही आराम से समझिएगा क्या है गेम थ्योरी। अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद मेकिंग डिसीजन, क्लियर है ना। इसका मेन पर्पस क्या है, टू एनालाइज द डिसीजन विच इज मेड। कब, जो डिसीजन मेड किया गया उसको एनालाइज करते हैं। वो डिसीजन कब मेड किया जाता है, When two or more rational and intelligent, when two or more rational and intelligent opponents are involved under situation of conflict and competition। तो गेम थ्योरी बेसिकली क्या है, एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं, वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, और वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन when they are involved in conflict and competition। तो उस समय उनका बिहेवियर क्या होता है, सो हम लोग उसको गेम थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेन आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग गेम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो उसका बेस क्या है, रैशनल एंड इंटेलिजेंट अपोनेंट। अगर हम लोग कंपिटिटर ही नहीं होगा, या फिर कंपिटिटर रैशनल नहीं होगा, जिसका अगर कोई एक प्रोड्यूसर है और हम उसको एनालाइज करना चाहते हैं, उसके स्ट्रेटजी को समझना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि कोई दूसरा प्रोड्यूसर भी होना चाहिए और उसका मोटिव भी वही होना चाहिए कि प्रॉफिट कमाना, क्लियर है ना। तो वो रैशनल और इंटेलिजेंट होना चाहिए। जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी इस थ्योरी में इन्वॉल्व हैं, आप जिनका स्टडी कर रहे हो, वो दोनों आपस में क्या अपोनेंट होने चाहिए, और दोनों एक कंपटीशन में इन्वॉल्व होने चाहिए, साथ ही साथ दोनों रैशनल और इंटेलिजेंट होने चाहिए, क्लियर है ना। अब हम किसी का ऐसे ही स्टडी नहीं करने लग जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, देखिए द अप्रोच ऑफ गेम थ्योरी इज टू सीक टू डिटरमाइन आवर राइवल्स मोस्ट प्रॉफिटेबल काउंटर स्ट्रेटजी टू वंस ऑन बेस्ट मूव। ध्यान से समझिएगा, यही पूरे आपका बेस है। क्या है कि गेम थ्योरी में हम लोग करते क्या है, या गेम थ्योरी का मेन पर्पस क्या होता है, इट सीक्स टू डिटरमाइन आवर राइवल्स मोस्ट प्रॉफिटेबल काउंटर स्ट्रेटजी टू वंस ऑन बेस्ट मूव। सपोज कीजिए अगर मैंने कोई स्ट्रेटजी फॉलो किया है, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मैंने कुछ प्रोडक्शन किया है और उसको ज़्यादा सेल करने के लिए मैंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट का हेल्प लिया, मैंने ऐड किया, ऐड में दिया। अब अगर मैंने ये किया तो कोई दूसरा प्रोड्यूसर यहाँ पे बैठा हुआ है,
तो मैंने तो अपना बेस्ट मूव चल दिया, मैंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट मेरे प्रोडक्ट का मैंने ऐड करवाया। अब मेरा ये जो मूव था, गेम थ्योरी ये स्टडी करेगा कि मैंने जब ये मूव चला, सो व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ अनदर प्रोड्यूसर हु इज देयर इन द कंपटीशन। क्लियर है ना? तो जो दूसरा प्रोड्यूसर कंपटीशन में है उसका क्या स्ट्रेटजी होगा, और दैट स्ट्रेटजी बिकॉज ही इज ऑल्सो अ रैशनल पर्सन, तो उसका जो स्ट्रेटजी होगा वो भी क्या होगा, वो भी प्रॉफिटेबल। वो जो स्ट्रेटजी फॉलो करेगा वो अपना प्रॉफिट देखेगा, उसको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करेगा। सो ये हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर मैं कोई मूव चल रहा हूँ तो इसके टर्न में दूसरा प्रोड्यूसर कौन सा मूव चलेगा जिससे उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और इसी चीज़ों को हम लोग इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं गेम थ्योरी में। अब देखिए, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अ फर्म इन व्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड काउंटर मूव्स फ्रॉम द कंपटीटर। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है, कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अ फर्म इन व्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड काउंटर मूव्स फ्रॉम द कंपटीटर। तो अब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो ये मेरा भी एक कंपल्सन है, क्योंकि मेरे सामने जस्ट मेरा अपोनेंट बैठा हुआ है, तो मैं जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करूं वो एकदम सही तरीके से फॉलो करूं, जिससे क्या हो कि मेरा जो मेन पर्पस है वो मेरे को मिल जाए। क्लियर है ना? तो ये मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा एकदम सोच समझ के करूंगा, क्योंकि उस स्ट्रेटजी का, उस एक्शन का कुछ रिएक्शन भी होने वाला है, और उसके कारण से ये हो सकता है कि मेरे को लॉस भी सहना पड़े। तो यहाँ पे दोनों का एक एनालाइज, दोनों के बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना? जो एक्शन, जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, और उसके बदले जो स्ट्रेटजी हो उसको दूसरा प्रोड्यूसर या दूसरे पर्सन फॉलो कर रहा है, रिकाउंटर कर रहा है, इनके बिहेवियर पे स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं गेम थ्योरी में, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब एजम्पशन क्या क्या है गेम थ्योरी का, तो पहला एजम्पशन है फिनाइट नंबर ऑफ कंपटीटर। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल, मतलब नंबर ऑफ कंपटीटर्स जिसके बीच में ये गेम खेला जा रहा है, जिसके बिहेवियर को हम स्टडी करने वाले हैं, वो फिक्स्ड होने चाहिए, ठीक है ना? दो कंपटीटर होने चाहिए, तीन होने चाहिए, चार होने चाहिए, मींस नंबर फिक्स्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि बहुत सारे हो और मेरे को पता नहीं है कि हम लोग कितने के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। अब अगर मैं कोई स्ट्रैटजी फॉलो कर रहा हूँ, सामने वाला बोला चलो चलो मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरा इतना सेल है, हम खुश हैं, तो उस केस में गेम थ्योरी को एनालाइज करने से कोई फायदा नहीं है, इसको पढ़ने से फिर कोई फायदा नहीं है। पहला अजम्पशन क्या है कि फिनाइट नंबर ऑफ कंपटीटर, ये फिक्स्ड होना चाहिए। दूसरा क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। तीसरा क्या है, फिनाइट कोर्स ऑफ एक्शंस, मीन्स अगर हम कोई एक्शन या फिर कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो रिकाउंटर किया जाएगा स्ट्रेटजी, वो सारा फिक्स्ड होगा। एक गेम में ऐसा नहीं है कि दैट इज चला जा रहा है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बट अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लेयर्स नो ऑल पॉसिबल अवेलेबल चॉइसेस बट डज नॉट नो विच वन इज गोइंग टू बी चूजन। मतलब सारी चॉइसेस उनको पहले से पता है। आप देखोगे जब आप एग्जांपल करोगे तो पे ऑफ दिया रहेगा कि ये जब फॉलो कर रहा है, ए अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है तो उस समय बी का ये स्ट्रेटजी है, ए जब ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है तो बी का उस टाइम वो स्ट्रेटजी है। तो सारे मेरे को यहाँ पे स्ट्रेटजी का पता है, बट ये नहीं पता है कि सामने वाला कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, वो क्या उसका क्या चाल होने वाला है, ये नहीं पता है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए क्या है, द पे ऑफ इज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड इन एडवांस। मतलब ये सारी चीज़ें पहले से ही एडवांस में पता होती है कि अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो किया जाएगा तो दूसरा ये वाला करेगा, उस समय ये इतना होने वाला है। नेक्स्ट क्या, प्लेयर्स हैव टू मेक इंडिविजुअल डिसीजन विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कम्युनिकेशन हो जाएगा कि भाई साहब तुम क्या करने वाले हो, वो भी बता दे कि ये स्ट्रेटजी है मेरा, तो इसको हम तो इजीली काउंटर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ किया जाना चाहिए। जैसे चीज में क्या होता है, पहला स्ट्रेटजी फॉलो किया जा रहा है, फिर मतलब ए चला फिर बी चल रहा है, बट यहाँ पे क्या है गेम थ्योरी में किसी को कुछ नहीं पता, मैं बिना ये देखे चल रहा हूँ कि ए ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करा। मेरा मेन मोटिव क्या है कि मेरे को अपना बेनिफिट करना है, दूसरे वाले अपोनेंट का मेन मोटिव क्या है कि उनको अपना बेनिफिट देखना है। तो यही मोटिव ऑब्जेक्टिव लिए हुए लगातार गेम चल रहा है, ठीक है ना। और उस समय हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों को बेनिफिट होगा, वैल्यू ऑफ गेम क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हम निकालते हैं। तो ये जो गेम थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे ये जरूरी है कि एक्शन जो हो वो साइमल्टेनियसली चलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सिक्वेंशियल हो, जैसे पहला चला फिर दूसरा फिर पहला फिर दूसरा, ऐसे नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स, टू पर्सन गेम, अगर हम दो पर्सन के बीच में गेम थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, टू पर्सन गेम। एन पर्सन गेम जितने, अगर थ्री पर्सन टीम के बीच में, एन पर्सन सारे बहुत सारे लोगों के बीच में, एन कोई फिनाइट नंबर होगा, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी, सारे के बीच में आप स्टडी कर रहे हो कि अगर एक चला तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लास्ट वाला क्या चलेगा, ये एन जो है वो फिनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए जीरो सम गेम, जीरो सम गेम वैसे गेम को बोलते हैं जहाँ पे जितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है उतना सेम अमाउंट ऑफ लॉस कोई दूसरा खो रहा होगा। अगर ए ने कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाया तो एट द सेम मोमेंट क्या होगा कि बी सेम अमाउंट ऑफ लॉस बियर करेगा, तो प्रॉफिट प्लस लॉस क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कोई कुछ खो रहा है और दूसरे को मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए प्योर स्ट्रेटजी गेम, प्योर स्ट्रेटजी गेम क्या होता है ना कि वैसा गेम जहाँ पे स्ट्रेटजी फिक्स हो, जैसे एग्जांपल ले लीजिए वीरेंद्र सहवाग का, उसका उनका जो था ये नहीं था कि कौन सा विकेट गिरा है क्या होना है, उनका था कि मेरे को चौका चौका मारना है। तो वैसा गेम जहाँ पे स्ट्रेटजी क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा, कोई प्रॉफिट में रहेगा कोई लॉस में रहेगा। जीरो सम गेम में क्या हो रहा था कि नेट प्रॉफिट प्लस लॉस, जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना कहीं लॉस हो रहा था, बट जब हम प्योर स्ट्रेटजी का बात कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और नेट अमाउंट ऑफ लॉस जो होगा गेम में वो बराबर होगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव में रहेगा कोई निगेटिव में रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हो, अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव गेम है उसके लिए, बट अगर वहीं पे कोई लॉस उसको बियर करना पड़ा है तो वो निगेटिव गेम उसके लिए कहलाएगा। तो प्योर स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है कि यही होना है, ठीक है ना। मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम मतलब जहाँ पे मिक्स्ड, इसको हम लोग बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे, मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या है ना, एग्जांपल ले लीजिए आप विराट कोहली का, एमएस धोनी का, जहाँ पे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए, ऐसा नहीं है कि रैंडम मेरे को एक पैटर्न पता है और उसी पैटर्न में हमने वैल्यू निकाल दिया गेम का कि ये ऑप्टिमम वैल्यू है, ए भी यही फॉलो करेगा बी भी यही फॉलो करेगा, अगर वैसा है तो हम क्या बोलेंगे, प्योर स्ट्रेटजी गेम, मतलब मेरे को पता है कैसे निकालना है एंड वी आर फॉलोइंग दैट स्टेप ओनली। बट मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या है कि सिचुएशन को देख के हम चेंजेस लाते हैं, और बेसिकली मिक्स्ड स्ट्रेटजी वहां पे हम लोग यूज करेंगे जहां पे प्योर स्ट्रेटजी यूज नहीं हो पाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा आपको हो सकता है समझ में ना आए, जैसे ही हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग थोड़े देर में करेंगे प्योर स्ट्रेटजी गेम का, तो पहले ये सारी बेसिक बातें थी गेम्स थ्योरी के बारे में, अब हम लोग कुछ और आगे में एग्जांपल्स के थ्रू और समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं जो कि रिलेटेड होता है गेम थ्योरी में और जनरली यूज होता है। देखिए फर्स्ट टर्म है हमारा पे ऑफ, क्या होता है पे ऑफ, सो इट इज द आउटकम ऑफ प्लेइंग अ गेम। कोई भी गेम हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं बेसिकली बिहेवियर, दो या दो से ज्यादा कंपटीटर जो आपस में एक तरीके से माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये माइंड गेम जो खेल रहे हैं ना ये साइमल्टेनियस चल रहा है, और यहाँ पे मेरे को पहले से पता है कि क्या मिलने वाला है, नेट गेम क्या होने वाला है,
तो ये जो नेट गेन है बेसिकली वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, पे ऑफ के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर से एक बार देखिए पे ऑफ क्या होता है हमारा, इट इज द आउटकम ऑफ प्लेइंग अ गेम, इट इज अ नेट गेन द स्ट्रेटजी ब्रिंग्स टू द फर्म फॉर एनी गिवन काउंटर स्ट्रेटजी ऑफ द कंपटीटर। मतलब अगर कोई स्ट्रेटजी फॉलो किया जाएगा काउंटर स्ट्रेटजी के रूप में, कोई दूसरा प्रोड्यूसर कुछ फॉलो किया, कुछ पॉलिसी, कुछ चेंजेस लाया, तो हम भी क्या करेंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे। तो ये काउंटर अटैक हुआ, तो इस काउंटर अटैक के कारण मेरे को क्या मिलने वाला, और ये सब पहले से ही पता होता है। बेसिकली पे ऑफ बताया जाता है, क्वेश्चंस में दिए जाते हैं पहले से कि यहाँ पे ये होगा, अगर ये चल रहा है तो बी को इतना मिलेगा, अगर बी चल रहा है तो ए को इतना मिलेगा, ठीक है ना। तो पे ऑफ क्या होता है, एक्चुअल जो आउटकम होता है, जो मिलने वाला, ठीक है ना, जब कोई एक बंदा कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। द नेट गेन्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स। अब ये जो गेन है ना, वो बेसिकली ऐसा नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर फर्म्स का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमम करना, तो वहां पे जो गेन होगा वो कुछ दूसरे फॉर्म में रहेगा, और वहां पे हम ये देखेंगे कि अगर ज्यादा वैल्यू है पे ऑफ का तो इसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा। बट अगर हम किसी एक कैदी का स्टडी कर रहे हैं जो कि जेल में रहना चाहता है, या उसने कुछ क्राइम कमिट किया है जिसके कारण उसको जेल की सजा होने वाली है, क्या उस केस में भी अगर पे ऑफ ज्यादा है तो हम बोलेंगे सिचुएशन अच्छा है? नहीं। तो ये जो पे ऑफ है, पे ऑफ बोलने का मतलब एक्चुअल जो मिलने वाला है, एक्चुअल गेन। अब ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अगर ज्यादा है तो बेहतर भी हो सकता है, और अगर ज्यादा है तो खराब भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर्म का। हम जिसको स्टडी कर रहे हैं, जिस पे पूरे गेम थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं, वो बेसिकली है क्या, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट देखिए पे ऑफ मैट्रिक्स। तो पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, वैसा मैट्रिक्स जहां पे ऑफ बेसिकली एलिमेंट के रूप में रहेगा। अब ध्यान से समझिए, जब आप मैट्रिक्स बोलते हो ना, तो बेसिकली कुछ इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, यहाँ पे एलिमेंट को लिखते हैं, और ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है ना, उसका एलिमेंट क्या है, उसका एलिमेंट हमारा पे ऑफ है। पे ऑफ बोलने का मतलब क्या, जो एक्चुअल मिलने वाला है व्हेन द स्ट्रेटजी विल बी फॉलो, ठीक है ना, वो एक्चुअल आउटकम पे ऑफ है। और जो मैट्रिक्स इस पे ऑफ को कैलकुलेट करता है या बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज द टेबल शोइंग आउटकम्स और पे ऑफ ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑफ द गेम। अब नेक्स्ट आता है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। क्या होता है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, अ कोर्स ऑफ एक्शन, ध्यान से सुनिएगा, नाम में ही ऑप्टिमल, और क्या है स्ट्रेटजी बेसिकली। तो वैसा स्ट्रेटजी जो किसी भी फर्म को या फिर किसी भी कंपटीटर को या किसी भी पर्सन को बेस्ट देगा, ठीक है ना। अब अगर फर्म या फिर जो पर्सन है उस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेगा तो वो बेहतर उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो फर्म या फिर जो पर्सन है उसको बेस्ट तभी मिलेगा जब वो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। स्ट्रेटजी का नाम क्या है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, और ये स्ट्रेटजी हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए क्या होता है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, अ कोर्स ऑफ एक्शन और प्लान्स व्हिच पुट्स द प्लेयर इन द मोस्ट प्रिफर्ड पोजिशन irrespective of the strategy of his competitor is called an optimal strategy. Any deviation from this strategy results in a decreased payoff for a player. ठीक है ना? अब अगर वो player इस strategy को follow नहीं करेगा तो वो वहां से उसको कम ही मिलेगा। बट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी में जो भी उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज बेसिकली मैक्सिमम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम क्या होता है, इट इज द एक्सपेक्टेड पे ऑफ ऑफ द प्ले व्हेन ऑल द प्लेयर्स ऑफ द गेम फॉलो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी।
जब सभी अपना ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, उस समय जो पे ऑफ है, जो आउटकम निकल के आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ गेम। द गेम इज कॉल्ड फेयर इफ द वैल्यू ऑफ द गेम इज जीरो एंड अनफेयर इट इज नॉन जीरो। ठीक है ना? हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो गेम है वो फेयर है। कब है? जब हमारा वैल्यू ऑफ गेम जीरो आया। अगर जीरो से पॉजिटिव नंबर में आया कुछ तो हम बोलेंगे वो गेम जो है किसी के लिए फेयर है। अब ध्यान से सुनिएगा, वो अगर किसी के लिए फेयर होगा तो वो उस समय आपको ये ध्यान में रखना वो किसी के लिए अनफेयर भी होगा। जिसका लॉस हुआ होगा उसके लिए अनफेयर होगा। अब सेम सोचिए, अगर निगेटिव आ जाए तो क्या होगा? जिसके पॉइंट्स, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आप किसके पॉइंट से सोच रहे हो। ठीक है ना? तो अगर वैल्यू ऑफ गेम हमारा जीरो आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारा जो गेम है वो बेसिकली फेयर है, क्योंकि दोनों अपना ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉलो किया और वहां पे वो लॉस या फिर गेन किया और जो नेट लॉस और गेन है वो जीरो के बराबर है। मतलब ना ज्यादा लॉस हुआ है ना ज्यादा गेन हुआ है, जितना लॉस हुआ है उतना ही गेन हुआ है। ठीक है ना? अब एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है और इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे गेम थ्योरी को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक डाटा दिया गया है। पहले इस डाटा को हम लोग समझते हैं। देखिए डाटा क्या दिया हुआ है ना, बेसिकली बताया जा रहा है कि दो प्लेयर है, प्लेयर एक्स है, प्लेयर वाई है। एक्स के पास फॉलो करने के लिए दो स्ट्रेटजी है, एक्स वन और एक्स टू। वाई जो है उसके पास भी दो स्ट्रेटजी है, क्या क्या है? वाई वन और वाई टू। मतलब यही वो चलेगा या फिर काउंटर करेगा, दोनों उसके पास दो ही ऑप्शन है। या तो उसको पहले चांस मिलता है आप चलो तो चलेगा भी तो यही दोनों स्ट्रेटजी में कोई पिक करेगा, या फिर अगर काउंटर करना हो तो यही दोनों स्ट्रेटजी में कोई वो लाएगा जिससे काउंटर करेगा। अब ये स्ट्रेटजी का बेसिकली आपको पे ऑफ दिया गया है। क्या है पे ऑफ? देखिए 50-50, 25-75, 75-25, 50-50। अब ध्यान दीजिए इधर, इसका मतलब समझते हैं पहले हम लोग अच्छे से। देखिए अगर X1, ध्यान से सुनिएगा, अगर X1 स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? तो पहला हमेशा जो है याद रखना है, फर्स्ट जो होगा वो इधर वाले को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड डाटा जो होगा वो ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50-50 है या फिर 25-75 है, तो ये 25 किसके क्लोज में है? इसके क्लोज में है। तो ये 25 जो होगा, पहला जो भी होगा वो इस वाले रो वाले डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे हम लोगों ने बोला कि एक्स ने X1 स्ट्रेटजी को फॉलो किया, अब X1 स्ट्रेटजी को फॉलो किया मतलब X के पास दो ऑप्शन है, वो या तो 50 पिकअप करे या तो 75 पिकअप करे। अब अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है ऐसा मानते हैं हम लोग, तो अगर वो X1 चूज कर रहा है तो इसमें दो स्ट्रेटजी है। पहला क्या है कि वो या तो 50 वाले को पिक करे या तो 75। और इसको ये भी पता है कि अगर ये कर रहा है ना 50 पिक, तो Y1 इस समय जो है उसका क्या प्रॉफिट होने वाला है? 50 यूनिट होने वाला है। 75 पे Y2 का क्या होने वाला है? 25 होने वाला है। तो ये पे ऑफ दिया रहता है। ठीक है ना? अब आपको काम कैसे करना है थोड़ा सा आप ये समझिए, और यही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे चैप्टर में, अब यही काम करेगा। कैसे काम करेंगे हम लोग? देखिए हम लोग पहले मानते हैं कि एक्स जो है वो X1 स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, X ने X1 स्ट्रेटजी को फॉलो किया। अब अगर X ने X1 स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस स्ट्रेटजी के कारण
वाई का काउंटर पार्ट क्या होगा, वाई कैसे काउंटर करेगा। तो देखिए जब x x1 फॉलो कर रहा है मतलब ये इस रो को x फॉलो कर रहा है। इस रो में दो ऑप्शन है, पहला क्या है 50 50 75 25। अब पहला पार्ट जो है वो किसको बताता है, y x का मतलब x1 का बता रहा है, 50 जो है x1 का पार्ट है, 75 जो है x1 का पार्ट है। अब बाकी बचा दो, ये 50 और ये 25, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ध्यान से समझिए, जब x ने x1 स्ट्रेटजी फॉलो किया तो अब y का कंपल्शन है, उसके पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, या तो 50 के साथ जाए या तो 25 के साथ जाए। और भाई साहब ये रैशनल है, क्लियर है ना, रैशनल है मतलब अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करेगा, जो भी काम कर रहा है वो उसमें बेस्ट लेना चाहेगा। अब देखिए 50 और 25 में ज्यादा कौन है, 50, तो वो कौन सा पिक करेगा। तो जब x ने x1 फॉलो किया स्ट्रेटजी, तो y1 का स्ट्रेटजी क्या होगा, वो कौन सा फॉलो करेगा, इस वाले को फॉलो करेगा। तो इसको हम लोग अभी सर्कल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब मानते हैं कि x2 ने x2 स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। अब अगर x2 स्ट्रेटजी फॉलो किया है मतलब y को जो स्ट्रेटजी फॉलो करना है वो ये इस रो में से करना है, और इस रो में बोलने का मतलब क्या, वो या तो 75 फॉलो करेगा या तो 50 फॉलो करेगा, यही दो ऑप्शन है हमारा y के पास। तो अब देखिए कौन सा फॉलो करेगा, y y1 वाला फॉलो करेगा या y y2 वाला फॉलो करेगा। तो कौन ज्यादा है, 75 ज्यादा है तो 75 y1 वाले को फॉलो करेगा। तो ध्यान से देखिए, फिर से समझिए, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले माना कि x1 का ये स्ट्रेटजी है, x का x1 स्ट्रेटजी है। तो अगर x1 स्ट्रेटजी है तो उस समय y का स्ट्रेटजी क्या होगा, y1, ठीक है ना। अब अगर x का x2 स्ट्रेटजी है तो y का स्ट्रेटजी इस समय भी क्या है, 75। क्यों, क्योंकि 75 ज्यादा है 50 से और वो रैशनल है, उसको ज्यादा चाहिए। अब इसी तरह से हम मानते हैं कि y ने y1 स्ट्रेटजी फॉलो किया। अब अगर y ने स्ट्रेटजी फॉलो किया तो उसको काउंटर कौन करेगा, x करेगा। और जैसे ही y ने y1 स्ट्रेटजी फॉलो किया है तो इसका मतलब अब x के पास दो ही ऑप्शन है, इन्हीं दोनों में उसको चूज करना है। अब देखिए या तो वो 50 चूज करे या तो 25, कौन चूज करे, तो वो बेसिकली देखिए 50 भरा है तो x क्या चूज करेगा, इस 50 को चूज करेगा आउट ऑफ 50 एंड 25, क्लियर है ना। जब y ने y1 स्ट्रेटजी फॉलो किया तो x के पास कितना ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो वो इसको फॉलो करे या तो इसको फॉलो करे, क्योंकि 50 भरा है तो इसलिए वो 50 उसने चूज किया है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर y ने y2 स्ट्रेटजी फॉलो किया होता उस समय x का क्या होता, काउंटर अटैक, वो देखिए। जैसे ही इसने बोला कि y ने y2 स्ट्रेटजी फॉलो किया मतलब y इसमें आ गया है, अब जो x का काउंटर होगा ये इन्हीं दोनों में कोई एक होगा, उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो x1 को सेलेक्ट करना जहां उसको 75 यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है, या तो x2 सेलेक्ट करना जहां पे उसको 50 यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो ऑब्वियसली सेलेक्ट किसको करेगा, 75 वाले को करेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहां पे दो अंडरलाइन हुआ है बेसिकली, पहला एक है ब्लैक वाला और एक है रेड वाला। ये जो ब्लैक और रेड वाला है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। ये नैश इक्विलिब्रियम, सबसे पहले इक्विलिब्रियम होता क्या है, वैसा पॉइंट जहां पे सभी कोई रहना चाहते हैं, मतलब इस पॉइंट पे दोनों कंपटीटर रहना चाहेगा, क्योंकि दोनों ने अपने स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, हमने बराबरी से दोनों को मौका दिया कि आप पहले चलो, पहले x को हमने मौका दिया, फिर हमने y को मौका दिया, और फिर हमने काउंटर पार्ट देखा कि दोनों का क्या होता है, उस बेसिस पे हमने निकाला नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको माइंड में दो तीन बातें याद रखनी है, पहले क्या, ये अगर x x1 चूज करना मतलब इस वाले रो को चूज करना है,
अब यहाँ पे y1 का आप काउंटर अटैक देखोगे, और y1 किसके द्वारा डिनोट हो रहा है, जो सेकेंड पार्ट है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर x2 चूज कर रहा है तो ये सेकेंड रो से ही अब y2 को y चूज करेगा, या तो y1 चूज करेगा या तो y2 चूज करेगा। y1 में उसको 75 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा है, y2 में उसको 50 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन सेलेक्ट बेचारे का मजबूरी है इन्हें दोनों में करना। अब हमने इसको क्या बोला, नैश इक्विलिब्रियम बोला। अब थोड़ा सा धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारा डाउट आपके माइंड में आएगा, वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है, ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान से आप देखो, ये जो गेम का हमने नैश इक्विलिब्रियम निकाला, बेसिकली ये गेम का नैश इक्विलिब्रियम हमने कैसे निकाला, बाय फॉलोइंग प्योर स्ट्रेटजी। मतलब यहां हमने मिक्स्ड स्ट्रेटजी अपनाया नहीं, यहां पे हमने क्या किया, प्योर मतलब दोनों को प्रॉपर चांस मिला, उसके बाद हमने एनालाइज किया और फिर हमने नैश इक्विलिब्रियम को निकाला। अब यही गेम होता है, मतलब यही पूरी चीज पूरे चैप्टर में खेल है कि कैसे निकाला जाए वैल्यू ऑफ द गेम, उसके लिए मिक्स्ड स्ट्रेटजी कैसे कहां पे क्या यूज करना है, ठीक है ना। तो आई होप ये बेसिक आप समझ पाए होंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करेंगे, यहाँ पे सैडल पॉइंट का कंसेप्ट समझेंगे। उसके लिए थोड़ा सा एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट। क्या होता है सैडल पॉइंट, चलिए आइए समझते हैं। सो अभी हम लोग थोड़े से और अच्छे से नैश इक्विलिब्रियम को समझते हैं। इसी दरमियान क्या होगा कि एक और पॉइंट जिसको हम लोग सैडल पॉइंट बोलते हैं वो भी हम लोग समझ जाएंगे। तो पहले समझने के लिए देखिए, एक टॉपिक है प्रिजनर्स डिलेमा, ठीक है ना, बहुत ही फेमस है, किसी भी बुक में आपको कहीं भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रिजनर्स डिलेमा, लेट्स सपोज दैट देयर आर टू पर्सन ए एंड बी हु आर पार्टनर्स इन मैच फिक्सिंग। The CBI arrested them and lodges them in separate jails with no possibility of communication between them. तो बोलता है prisoner's dilemma समझने के लिए एक example लिया है कि suppose ऐसा मानिए कि दो person है A and B जो कि arrest हो गया है match fixing के आरोप में। अब CBI उन पे ये आरोप लगा और उन्होंने उनको arrest किया, और उनको कुछ ऐसे अरेस्ट करने के बाद रखा गया है कि उनके बीच कोई भी कम्युनिकेशन ना हो पाए, ठीक है ना। दे आर बीइंग इंट्रोगेटेड सेपरेटली बाय द सीबीआई ऑफिशियल, उनको अलग अलग कमरे में बैठाया गया और उनसे अलग अलग पूछताछ किया जा रहा है। फॉलोइंग कंडीशंस आर डिस्क्लोज टू देम, अब अलग अलग उनको कमरे में रखा गया, दोनों के पास जाया गया और बताया गया, उनके पास कुछ कंडीशंस रखा गया। क्या कंडीशन रखा गया, पहला कंडीशन है इफ यू कन्फेस योर इन्वॉल्वमेंट इन मैच फिक्सिंग यू विल गेट 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट। मतलब अगर आप खुद से ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ आप इन्वॉल्व थे मैच फिक्सिंग में, तो इसके लिए आपको 5 साल की सजा मिलेगी। दूसरा कंडीशन उन्होंने क्या रखा, इफ यू डिनाइज योर इन्वॉल्वमेंट एंड योर पार्टनर डिनाइज टू, You both will be set free due to lack of evidence. So, दूसरा कंडीशन क्या रखा गया उनके पास कि अगर आप भी डिनाई कर देते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट मैच फिक्सिंग में नहीं था और आपका दोस्त भी डिनाई कर देता है, तो lack of evidence के कारण क्या करेंगे, आप दोनों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब चोरी दोनों करने जा रहा था तो एकदम भाई था, दोनों ने डिसाइड किया था नहीं जेल में तो मुंह खोलना ही नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं बोलेंगे, अपना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कानून का क्या कंसेप्ट है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है हमारे लॉ में। तो दूसरा ये कंडीशन था। तीसरा कंडीशन था क्या था, इफ वन ऑफ यू कन्फेस एंड टर्न्स अप्रूवर and the other does not, then one who will confess gets 2 years of imprisonment and the other gets 10 years of imprisonment.
तीसरा उनको बोला गया कि अगर आप सरकारी गवाह बन जाते और बोलते हैं हाँ वो उसने किया था, तो आपको सरकारी गवाह बना के क्या किया जाएगा, आपको 2 साल का जेल दिया जाएगा और बदले में जो आपका दोस्त अगर मना करेगा तो उसको 10 साल का सजा मिलेगा। अब ध्यान से समझिए, दोनों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो कन्फेस करेगा या तो डिनाई करेगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा अगर दोनों के हम बारे में सोचे, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना कम साल का सजा मेरे को मिले उतना अच्छा है। तो माइंड में क्या रखा है, ऑप्शन उसको दो दिया गया और माइंड में उसका क्या चल रहा है कि मेरे को कम से कम अमाउंट ऑफ जेल जाना, क्लियर है ना, कम टाइम पीरियड के लिए जेल जाना है। अब देखिए दोनों के पास स्ट्रेटजी कितना है, ए के पास अगर आप बात करो तो दो स्ट्रेटजी है, क्या क्या है, पहला या तो कन्फेस करे या तो डिनाई करे। इसी तरह बी वाई के पास क्या स्ट्रेटजी है, दो स्ट्रेटजी है, या तो कन्फेस करे या तो डिनाई करे। अब अगर ध्यान से देखिए, कन्फेस कन्फेस मतलब ए भी कन्फेस कर रहा है तो ए को 5 साल का सजा मिल गया, बी भी कन्फेस कर रहा है तो कितना साल का सजा मिल गया, 5 साल का सजा मिल गया। ए कन्फेस किया बट बी डिनाई कर दिया, तो अगर ए कन्फेस कर रहा है तो ए को कितना, मतलब ए मान गया कि हाँ मतलब हमने चोरी किया था, मतलब ऐसा मान लिया उसने कि मैंने चोरी किया था, या फिर वो ऐसा बोल देता है कि नहीं वो उसने चोरी किया था, तो वो अगर सरकारी गवाह बन जाता है तो इस केस में क्या होगा कि उसको 2 साल का सजा मिलेगा। और उसके अगर ये बी जो वाई जो है हमारा वो डिनाई कर दे, नहीं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको तो 0 साल का सजा मिलेगा। इसी तरह से क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा गलत लग रहा है, 5 5 ये 10 है बेसिकली, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ये पे ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 2 10 है, मतलब अगर ए कन्फेस करे तो उसको 2 साल का सजा, और फिर क्या होगा उसके दोस्त को जो वाई है बेसिकली 10 साल का सजा मिलेगा, तो 2 और 10 है। नेक्स्ट देखिए, अगर ए डिनाई करता है और वाई कन्फेस करता है, ए डिनाई करता है मतलब वाई कन्फेस करता है मतलब सरकारी गवाह वाई इस पर बन गया, तो ए को कितना, ए डिनाई कर रहा है तो उसको 10 साल का सजा मिल जा रहा है, क्योंकि वाई ने बोला है कि हाँ उसने किया था, वो सरकारी गवाह बना मतलब आरोप उस पर तय हो गया, और ए को कितना सजा मिला, 10 साल का सजा मिला। अब नेक्स्ट देखिए, ए और बी दोनों डिनाई कर दे तो कितना साल का सजा मिलेगा, 0 0। अब दोनों ने ये सोच के चोरी किया था कि हम लोग कोई नहीं एकदम मुंह तो खोलेंगे ही नहीं, और अगर हम लोग मुंह नहीं खोलेंगे तो फिर क्या होगा, एविडेंस के कमी होने के कारण हम लोगों को छोड़ा जाएगा। बट क्या ऐसा होता है, चलिए निकालते हैं गेम थ्योरीज के थ्रू। अभी ध्यान से देखिए क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए का, ए का ऑप्शन क्या कितना है, 2 ऑप्शन है ए के पास, पहला है कि या तो कन्फेस कर रहा है सरकारी गवाह बन जा रहा है, या तो डिनाई कर दे रहा है। इसी तरह बी के पास कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो वो कन्फेस कर रहा है या तो डिनाई कर दे रहा है। अगर दोनों कन्फेस कर ले रहा है मान जा रहा है तो इसका मतलब कितना कितना साल का सजा, 5 5 साल का सजा। अगर ए कन्फेस कर रहा है सरकारी गवाह बन जा रहा है तो ए को 2 साल का सजा, उसके दोस्त को बी को 10 साल का सजा। ए डिनाई कर दे रहा है और बी क्या है सरकारी गवाह बन गया, कन्फेस कर लिया, तो बी को 2 साल का सजा, ए को 10 साल का सजा। नेक्स्ट देखिए, ए भी डिनाई कर रहा है और बी भी डिनाई कर रहा है, तो दोनों को कितना सजा, 0 0 सजा। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि किसका क्या क्वांटम मूव होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि ए ने क्या किया, कन्फेशन कर लिया। अब ए ने कन्फेशन किया तो बी के पास ऑप्शन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है मूव करने के लिए। अब उसको इसी दोनों में कोई ना कोई सेलेक्ट करना होगा।
अब ए ने कन्फेस कर लिया, मतलब ए का तो देखिए ए का क्या है, 5 साल का सजा या फिर 2 साल का सजा, तो ए के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। ए ने कन्फेशन किया, अब बी के बारे में सोचिए। अब ए के कन्फेशन के कारण बी के पास बेचारे के ऑप्शन दो ही बच रहा है, या तो 5 साल का सजा उसको तो एकदम पक्का है, या तो 10 साल का सजा। इन दोनों में वो कौन सा चूज करेगा? ऑब्वियसली वो ये वाला चूज करेगा, ठीक है ना। यहां से समझिए, ए ने कन्फेशन किया तो बी के पास दो ऑप्शन बचा, या तो 5 साल का सजा या तो 10 साल का सजा। तो 5 और 10 में उसके लिए बेहतर कौन है? 5 साल का सजा। तो उसने कौन सा सेलेक्ट किया? कन्फेशन करना उसने भी स्वीकार किया कि चलो कन्फेस कर लेते हैं। अब दूसरा एक स्ट्रेटजी मानिए कि ए ने डिनाई कर दिया। अब अगर ए ने डिनाई कर दिया, मतलब जो बी का स्ट्रेटजी हम चेक करेंगे वो इस रूम में चेक करेंगे, और बी के पास दो ऑप्शन है, क्या क्या है कि नहीं बी कन्फेस कर ले और बी भी डिनाई कर दे। अब इन दोनों में देखिए, बी अगर कन्फेस करता है तो 2 साल का सजा उसको मिलेगा बेसिकली, और अगर बी भी डिनाई कर दे तो उसको कितना का साल का सजा मिलेगा? 0 साल का। अच्छा कौन है बी के लिए? ये वाला। तो बी ने क्या मुनासिब समझा कि नहीं हमें तो एकदम चुप रहना है, मुंह ही नहीं खोलना है, हो सकता है कि मेरा दोस्त नहीं बोला हुआ होगा, वो ऐसा मान के चल रहा है। उसने कौन सा स्ट्रेटजी मूव सेलेक्ट किया है? 0 वाले को। अब ध्यान से समझिए, अब वाई के रूम में गया, वाई क्या कर सकता है, सॉरी बी के रूम में गया, बी से पूछा बताओ क्या कहानी है। तो बी हो सकता है कि वो क्या करे, कन्फेशन कर ले, कन्फेस मान ले हाँ उसने चोरी किया है। अब अगर बी कन्फेस कर लेता है, जैसे ही बी का नाम आया, मतलब अगर कन्फेस कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन ए के पास है, क्या क्या है, या तो 5 साल की सजा तो उसको फिक्स है, दूसरा क्या है कि 10 साल की सजा। कौन सा वो चूज करेगा? 5 वाले को चूज करेगा। तो ये उसने चूज किया कब? जब बी का मूव क्या है, कन्फेस करना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है, बी डिनाई कर सकता है। अब अगर बी डिनाई कर रहा है, ध्यान से समझिए, बी डिनाई कर रहा है तो ए के पास ऑप्शन क्या है, यही दोनों में किसी को सेलेक्ट करना है, और पहला वाला ए को डिनोट कर रहा है। एक तो ऑप्शन है उसके पास 2 साल का सजा, और दूसरा है 0, वो भी डिनाई कर दे। तो देखिए दोनों में कौन अच्छा है ए के लिए, 2 साल का सजा या 0 साल का? तो आप बोलेंगे 0 वाला अच्छा है, तो उसने क्या किया, ये चूज किया। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अलग अलग कलर का दोनों मिक्स हो जाए, एक साथ आ जाए, तो उसको हम लोग नैश इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 नैश इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। पहला क्या क्या है, 5 और 5, जहां पे दोनों को क्या है, दोनों ने कन्फेशन कर लिया, मान लिया कि हाँ हम दोनों चोरी में इन्वॉल्व थे, और दोनों को 5 साल का सजा मिल गया। दूसरा क्या है, 0-0, दोनों ने कुछ नहीं माना तो दोनों को छोड़ दिया गया है। अब यही सोच के उस दोनों ने चोरी किया था, ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ, अब ये तो बेस्ट स्ट्रेटजी है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट, मतलब वैसा पॉइंट नैश इक्विलिब्रियम का जो बेस्ट हो, क्लियर है ना। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, ये भी आया, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे नैश इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको नैश इक्विलिब्रियम मिले और हर बार आपको सैडल पॉइंट मिले, ऐसा भी नहीं जरूरी है कि एक क्वेश्चन में एक ही नैश इक्विलिब्रियम होगा जैसे यहाँ पे है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं जरूरी है कि दो नैश इक्विलिब्रियम आपको मिल जाए तो वहां से आप ये बता सकते हो कि ये क्या है, सैडल पॉइंट है। बिकॉज सैडल पॉइंट क्या है, नैश इक्विलिब्रियम का अच्छा वाला कंडीशन, जहां पे ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, जेल कम से कम हो, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पूरा हो जा रहा है 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहला है या तो दोनों डिनाई कर दे, दूसरा क्या है, दोनों मान जाए, कन्फेस कर ले, तो दोनों को 5-5 साल की सजा मिलेगी। तो ये दोनों नैश इक्विलिब्रियम में जो बेस्ट वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट, और बाकी बात दोनों नैश इक्विलिब्रियम में। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं और नैश इक्विलिब्रियम निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कोई ए है, उसका 2 मूव
मूव है, एक है एल और एक है आर। कोई बी है उसका भी दो मूव है, एक है एल और एक है आर। ए एल को सेलेक्ट करेगा 8 7 6 5 4 6 7 8। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन इस क्वेश्चन में निकालते हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट मान लीजिए ये कुछ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का यूनिट है 8 यूनिट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इतना मैक्सिमाइज हो रहा है तो जो ज्यादा होगा वो अच्छा होगा। अब कैसे हम लोग सोचेंगे, कैसे हम लोग पहले देखेंगे मानेंगे कि ए जो है उसका मूव क्या है, एल वाला है। अब जैसे ही ए का एल वाला है तो देखिए ये रो में ही अब बी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर एल ए ने एल स्ट्रेटेजी अपनाया है तो अब बी के लिए दो स्ट्रेटेजी बच रहा है, क्या क्या, एक तो 7 यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, एक तो 6 यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का। ऑब्वियसली वो कौन सा स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेगा, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो उसने क्या सेलेक्ट किया, 7 यूनिट वाले को, और उसने क्या किया, 6 वाले को नहीं सेलेक्ट किया। अब एक कंडीशन क्या हो सकता है कि ए ने आर को सेलेक्ट किया, आर स्ट्रेटजी चूज किया। अब अगर ए आर स्ट्रेटजी चूज कर रहा है इसका मतलब ये फिक्स हो गया है कि बी जो है वो इसी ऑप्शंस में उसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, 5 और 8, तो 5 और 8 में बड़ा कौन है, 8 वाला। तो बी क्या करेगा, 8 यूनिट वाले को सेलेक्ट करेगा, इस वाले स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करेगा। तो ये था कहानी। अब दूसरा पॉइंट से सोचिए, जब बी एल स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रहा है, अब अगर बी एल स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रहा है मतलब ए के पास यही दोनों ऑप्शन बचा है, या तो वो 8 यूनिट मैक्सिमाइजेशन करने को देखेगा या 6 यूनिट देखेगा। ऑब्वियसली 8 वाला बड़ा है तो वो कौन सा सेलेक्ट करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट ये भी तो हो सकता है भाई साहब, क्योंकि गेम थ्योरी पूरा ये एक्सपेक्टेशन का ही खेल है, ये भी तो हो सकता है कि बी जो है आर को सेलेक्ट करे। अब अगर बी आर स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करेगा मतलब ए को इसी दोनों में कोई सेलेक्ट करना है, या तो वो 4 यूनिट मैक्सिमाइज करने को देखेगा या तो 7 यूनिट। ऑब्वियसली बड़ा कौन है, 7। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला सेलेक्ट करेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे दो ऐसा पॉइंट आ गया, तो दो ऐसा पॉइंट आ गया तो दोनों नैश इक्विलिब्रियम कर जाएगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता बेस्ट कौन है। तो हम यहाँ पे ये नहीं समझ सकते कि ये यूनिट वाला सैडल पॉइंट है या फिर ये यूनिट वाला है। एक जगह क्या है कि अपना स्ट्रेटजी यूज करके ए 8 यूनिट मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है और बी 7 यूनिट ही कमा पा रहा है। दूसरे जगह क्या है कि ए 7 ही कमा पा रहा है, बी 8 कमा पा रहा है। दोनों है नैश इक्विलिब्रियम, दोनों को संतुष्टि मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि बेस्ट कौन है, इसलिए यहाँ पे सैडल पॉइंट हम लोग नहीं निकाल सकते। क्लियर है ना। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एल आर ए के पास ऑप्शन है, एल आर बी के पास ऑप्शन है, 9 9 10 1 1 10 2 2। तो ये ऑप्शन है बेसिकली। चलिए हम लोग मानते हैं कि ए ने पहले एल स्ट्रेटजी सेलेक्ट किया। अब ए ने जैसे सेलेक्ट किया ना तो आप बी का काउंटर स्ट्रेटजी देखना चाह रहे हो, तो बी के पास हमारा दो ही ऑप्शन बचता है, क्या, या तो 9 यूनिट प्रॉफिट को मैक्सिमम करना या तो 10 यूनिट मैक्सिमम करना। ऑब्वियसली 10 बड़ा है तो वो क्या करेगा, 10 यूनिट वाले को सेलेक्ट करेगा। अब ये भी तो हो सकता है ए का क्या स्ट्रेटजी हो, आर सेलेक्ट करना। अब अगर ए ने आर सेलेक्ट किया है मतलब बी जो काउंटर अटैक करेगा उसके पास दो ही ऑप्शन है, क्या क्या है, या तो 1 यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमम करना या तो 2 यूनिट मैक्सिमम करना। 2 बड़ा है तो बी क्या करेगा, 2 वाले को सेलेक्ट करेगा। अब जैसे ए ने किया उसी तरह बी के पास ये स्ट्रेटजी है। अब सपोज कीजिए बी ने एल सेलेक्ट किया तो कंपल्शन क्या है, ए को अब इस दोनों ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। तो ध्यान से देखिए इन दोनों में ए के पास एक ऑप्शन है 9 यूनिट प्रॉफिट कमाना, एक 10 यूनिट।
9 और 10 में बड़ा कौन है? 10 वाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? B के लिए, A के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। नेक्स्ट देखिए, B R सेलेक्ट कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो उस समय A के पास क्या क्या ऑप्शन है? 1 और 2। तो ध्यान से देखिए, हो सकता है ये सेलेक्ट करें। अब ग्रीन, रेड और ब्लू आ गया, ये वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा? ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे कितना नैश इक्विलिब्रियम है? 1 नैश इक्विलिब्रियम है। तो ये करवाने का मेन मोटिव ये है कि आप ये समझ पाओ कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी नैश इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। और अगर आपको पता है कि ये बेस्ट है आउट ऑफ द टू, जितने भी नैश इक्विलिब्रियम है, उसको हम लोग बोलते हैं सेटल पॉइंट। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, देन आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये वाला ही सेटल पॉइंट है। क्लियर है ना? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। आज हमने बेसिकली ये समझने का प्रयास किया कि नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेटल पॉइंट क्या होता है। अभी भी हमने क्वेश्चंस पे, असली क्वेश्चंस पे हम लोगों ने अभी नहीं आया। तो ये फर्स्ट क्लास है, इसके बाद एक और क्लास में हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया हो, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।